यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका पूरा पश्चिम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रामपुर में जमीन विवाद में खुलेआम तमंचा लहराने का मामला सामने आया है। मामला मिलक थाना इलाके का है और बताया ये जा रहा है कि दो पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी। तमंचे दिखाने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूर से देखिए तो यहाँ खाली खेत दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा जरा करीब होता है खेत में कुछ लोग लड़ाई झगड़े करते हुए खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन वीडियो जरा और करीब से देखें तो सारा माजरा ठीक से समझ आता है। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडे, इन्हीं में कोई लाठी डंडे चलाता भी नजर आता है। लेकिन इसी बीच दो शख्स तमंचा लहराते हुए भी दिख जाते हैं। आपको हम बताएंगे कि दोनों शख्स कौन है जो सामने वाले की जान लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि विवाद ये कहां का है और विवाद की बुनियाद क्या है। वीडियो रामपुर के मिलक थाना इलाके का है। बताया जा रहा है वीडियो में तमंचा लहराते हुए दिख रहे दोनों में एक कॉलेज के प्रबंधक महेश बाबू है और काले रंग के कपड़े पहना दूसरा शख्स गनर है। जमीन को लेकर पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में झड़प हुई और हथियार लहराए गए। विवाद कॉलेज प्रबंधक महेश बाबू और पड़ोसी दालचंद में हुआ था। विवाद के दौरान खेत में ही दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज हुई और फिर तमंचे निकालने की नौबत आ गई। विवाद के दौरान ही किसी ने यहां का वीडियो बना लिया और अब अवैध तमंचे के साथ प्रबंधक महेश बाबू का ये वीडियो क्षेत्र में वायरल होने से हड़कंप मचा है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां एक गांव के लोगों ने दबंगों के खिलाफ सीधे एसपी से गुहार लगाई है और गांव वालों का यह कहना है कि आरोपी दबंग पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव का रिश्तेदार है और उसके गुर्गे घरों में घुसकर मारपीट करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो आजमगढ़ के तमोली गांव का। वीडियो में दबंगई चरम पर नजर आती है। कुछ लोग एक घर में घुसे हैं और उस घर के लोगों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और मारपीट भी कर रहे हैं। रानी के सराय थाना क्षेत्र के तमोरी गांव के लोगों ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एसपी कार्यालय पर दस्तक दी और प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ितों का आरोप है कि पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव का रिश्तेदार मामूली बात पर अपने साथियों के साथ इसी तरह घरों में घुसकर दबंगई करता है। यहां तक कि थाने पर जाने के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। घर में घुसकर की गई दबंगई का उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लोग खुद ही आगे की कार्रवाई से बचते हुए मुकदमा नहीं लिखवाना चाहते थे और दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया था, लेकिन अब जबकि फिर से शिकायत की गई तो मामले की पड़ताल कर वाजिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अब तक कार्रवाई नहीं होने से गांव के लोग दहशत में और उन्हें डर लग रहा है कि आरोपी फिर से दबंगई को अंजाम न देते। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नुमानी की रिपोर्ट। अगली खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हो गया विवाद। प्लॉट निर्माण को ध्वस्त करने पर मारपीट हो गई और मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस के सामने भी उलझते दिख रहे हैं लोग। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। स्याना कोतवाली के कस्बा क्षेत्र का ये मामला है। तो जमीनी विवाद में झगड़ा किस कदर बढ़ा, मारपीट की नौबत आई, लोग गुत्थम गुत्था एक दूसरे पर लात घूंसे, थप्पड़, डंडे बरसाते नजर आए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीन के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में मारपीट कर रहे थे। आसपास भीड़ लगी हुई थी, हर कोई देख रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। एक छत जिसके ऊपर चार से पांच लोग नजर आ रहे हैं, बुरी तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर मारपीट करते दिख रहे हैं। हाथों में सरिये हैं, रॉड हैं। किसी ने मोबाइल फोन से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर कन्नौज से है, जहां खेत जोतने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलाए गए। मामला सदर कोतवाली के मिश्री गांव का है। बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक गांव में ये मारपीट जिस बात पर हो रही है उसे अगर सुनेंगे तो तंग रह जाएंगे। आमतौर पर गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों में तलवार खिंच जाती है, लेकिन यहां तो खेत में
आलू की फसल को जोतने को लेकर बवाल हो गया। किसी ने लाठी उठाई, किसी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाया और उसके बाद शुरू हो गया संग्राम। लोग एक दूसरे के ऊपर लाठी पत्थर बरसाने लगे और ये भूल गए कि अक्सर साथ साथ रहने वाले लोग आज एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। पूरा वाकया सदर कोतवाली क्षेत्र के मिश्री गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ हर उम्र के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे हैं। लड़कियां भी हाथों में डंडे और पत्थर थामे दिख रही हैं और यही वजह है कि बवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा की कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर रायबरेली से हमें मिल रही है, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन के नोटिस के बावजूद लोग इस जमीन को खाली नहीं कर रहे थे, लिहाजा प्रशासन ने आज ये कार्रवाई की है। यूपी में इन दिनों बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीरें आम है। अवैध कब्जा करने वालों से लेकर अवैध निर्माण करने वालों तक की खैर नहीं है। प्रदेश भर में इनके खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान चल रहा है। इसी सिलसिले में जिलाधिकारी के आदेश के बाद रायबरेली में भी ये कार्रवाई की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलडोजर से यहाँ कई घरों को गिराया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा की भी खास व्यवस्था की गई ताकि किसी भी प्रकार का उपद्रव न देखने को मिले। सरकारी जमीन पर जिन कब्जेदारों ने अस्थायी निवास बना रखा था, वो जमीन होम्योपैथिक हॉस्पिटल के लिए आवंटित हुई थी। प्रशासन की तरफ से कई बार इस जगह को खाली कराने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन कब्जेदारों ने जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी नगर की अगुवाई में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से कार्रवाई की गई। हालांकि जिलाधिकारी ने यहां के बेघर हुए लोगों को काशीराम आवास योजना में घर दिलाने का आश्वासन दिया है। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से पंकज की रिपोर्ट। उधर वाराणसी चौक थाने में पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की घटना हुई है। 1 लाख के नामी बदमाश रोशन गुप्ता की दबंगई दिखी। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वाराणसी पुलिस प्रशासन ने इसके बाद हड़कंप मच गया है। 1 लाख के नामी बदमाश रोशन ने इस घटना को अंजाम दिया। चौक थाने में पिस्तौल दिखाकर लूटपाट, मतलब थाने के अंदर ही लूटपाट को अंजाम दे दिया इस बदमाश ने, और उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित, जिसका नाम है रोशन गुप्ता। दबंगई दिखाई और थाने में घुसकर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। आप देखिए कैसे ये बदमाश, जिसका नाम रोशन गुप्ता है, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम पहले से ही घोषित है, इसका हौसला देखिए, थाने के अंदर घुसकर पिस्तौल दिखाकर लूटपाट को अंजाम इसने किस तरह दिया। ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद पुलिस को ना कुछ कहते बन रहा है और ना ही घटना के बारे में कुछ बताते, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने सब कुछ साफ साफ दिखा दिया कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ। कोरोना फिर से डराने लगा है, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। लखनऊ में इस्लामिक विद्वान और धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कलवेज सादिक का जब जनाजा निकला तो उमड़ी भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। सड़कों पर उमड़ी इस भीड़ को देखकर आप ये न सोचें कि हम आपको कोई पुराना वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो आज का है और बिल्कुल ताजा। वीडियो लखनऊ का है। वीडियो में आप देख सकते हैं सड़कों पर उमड़ी भीड़ में कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह का खौफ नहीं है। तमाम लोग मास्क पहने भी नजर नहीं आ रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। आपको बता दें, वीडियो विश्व विख्यात इस्लामिक विद्वान और धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कलवे सादिक साहब के जनाजे का है और इस जनाजे में भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ देख आम लोग तो आम लोग, पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। जनाजे के साथ चल रहे मजमे का पहला सिरा घंटा घर पर और दूसरा गोल दरवाजा चौक पर पहुंचा। शिया समुदाय ने यूनिटी कॉलेज में और घंटा घर पर सुन्नी समुदाय के लोगों ने नमाजे जनाजा पढ़ी। लेकिन कोरोना केस के बढ़ते हुए दौर में ये बेतहाशा और बेपरवाह भीड़ कतई जायज नहीं कही जा सकती। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।
इस बेपरवाह भीड़ के बाद अब हम आपको एक ऐसी टीचर का बयान सुनाते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के समय मास्क लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। मासूम की जान की इस टीचर को जरा भी परवाह नहीं, यहां तक कि वो अपने प्ले स्कूल में कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन नहीं कर रही। मामला प्रतापगढ़ के कोहड़ौर इलाके के रामपुर का है। नहीं लगाएंगे। अच्छा आप भी क्यों नहीं लगाएंगे? हम भी नहीं लगाएंगे। अच्छा मास्क हर जगह स्कूल खुला आ जाइए, हर जगह देखिए बैठिए। अच्छा मतलब मास्क बिल्कुल नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे हम। अच्छा कोई फर्क नहीं आप? नहीं हमको कोई फर्क नहीं। नहीं लगाएंगे। अच्छा आप भी क्यों नहीं लगाएंगे? हम भी नहीं लगाएंगे। अच्छा मास्क हर जगह स्कूल खुला आ जाइए, हर जगह देखिए बैठिए। अच्छा मतलब मास्क बिल्कुल नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे हम। अच्छा कोई फर्क नहीं आप? नहीं हमको कोई फर्क नहीं। तो देखिए आपने इनकी अकड़, एक ऐसी बीमारी के लिए जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, जिसकी सीधे तौर पर अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, इसका टीका भी अभी नहीं आया है, एक से दूसरे को बहुत आसानी से फैल रहा है कोरोना, और ऐसे में ये टीचर क्या कह रही हैं? मतलब स्कूल है, बच्चे हैं, उनकी जान की कोई परवाह नहीं, ना अपनी जान की परवाह। और देखिए किस तरह पूरे आत्मविश्वास से कह रही हैं, इनको अड़ियल पर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। कह रही हैं नहीं लगाएंगे मास्क चाहे जो हो जाए। कोई फर्क नहीं आप? नहीं हमको कोई फर्क नहीं। वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करने के अभियान को चलाने का निर्देश दिया है। आगरा में आज इसी क्रम में संजय प्लेस में अभियान चलाया गया और मास्क न पहनने वालों के चालान काटे गए। के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सख्त हुआ है और हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को डायरेक्टिव्स दिए हैं, निर्देश जारी किया है, जिसके तहत एक महीने तक सघन अभियान चलाया जाए और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जाएं। हालांकि ये प्रावधान पहले से है लेकिन लगातार जो शिथिलता बरती जा रही थी उस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही 6 ऐसे जिले जहां सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं वहां ड्रोन से भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं और ऐसे में आगरा पुलिस आप देख सकते हैं एक अभियान के तहत जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनके मास्क उनके चालान काटे जा रहे हैं। इस समय संजय प्लेस चौकी में मौजूद हूँ के बाहर और कई सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए थे, हालांकि उनके पास मास्क था, जैसे ही पुलिस ने पकड़ा है वैसे ही वो लोग यहाँ उन्होंने मास्क लगा लिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास मास्क होते हुए भी वो लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एसपी सिटी साहब हैं, आप बताइए हाईकोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं और कहा है कि एक महीने तक अभियान चलाया जाए और जो मास्क न लगाए उन पर सख्ती की जाए, किस तरह से अभियान चल रहा है? देखिए COVID-19 का संक्रमण जब से ये शुरू हुआ है मास्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है COVID-19 के जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो इसमें लगातार हम लोगों द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं प्रत्येक चौराहे पे। आज भी आप देख रहे हैं कि कई लोगों को इसमें उनके ऊपर कार्रवाई भी की है, चालान भी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का भी पूरी तरीके से पालन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, चलाने की कार्रवाई भी की जा रही है। इनफैक्ट सभी लोगों को हम लोग अवेयरनेस के तौर पे ऐसे तो COVID-19 का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी हैं और इसी के तहत गाजीपुर में कई जगहों पर COVID-19 की जांच हो रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि जिस लैब टेक्नीशियन को स्वास्थ्य विभाग ने यह जिम्मेदारी दी है उसे किसी भी तरह का सेफ्टी उपकरण ही नहीं दिया गया। ऐसे में बिना सेफ्टी उपकरण के ही यहां कोविड की जांच की जा रही है। सेमो द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप लोग जाएं वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के मदद से या सहयोग से पब्लिक समाज सेवकों के सहयोग से यहाँ कोरोना टेस्ट कराएं। अब तक कितने लोगों की जांच आपने अब तक जो 22 लोगों की जांच होती है। रूटीन हमारे PHC CHC के जो जांच होती है उनके अलावा दो टीम जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स का और ये रेहड़ी पटरी वालों का, इन सबकी जांच कर रही है और दो टीम हमारी लगाई हमने लगाया है जिला जेल में, स्थायी जेल में, और वहां जाकर के ये लोग जांच कर रहे हैं। आज हमारा लक्ष्य है कि जेल में लगभग 400 कैदियों का जांच किया जाए, कोविड जांच किया जाएगा। अगली खबर प्रतापगढ़ से। जमीन विवाद में दबंगों महिलाओं को पीटने की बात सामने आई है, महिलाओं की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आत्मरक्षा में महिलाओं ने भी लाठियां चलाई हैं। कन्हई कोतवाली क्षेत्र के प्रेमधर पट्टी का यह मामला है, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जमीनी विवाद में ये पूरा झगड़ा हुआ है, आरोप है कि इस विवाद में दबंगों ने महिलाओं को पीटा और आत्मरक्षा के लिए महिलाओं ने भी डंडा उठा लिया और महिलाओं ने भी लाठियां चलाई।
ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, प्रतापगढ़ की घटना जहां पर जमीन के विवाद में ये दबंगई महिलाओं को पीटने से गुरेज नहीं कर रहे थे तो महिलाओं ने भी डंडा उठा लिया और आत्मरक्षा में इन पर डंडे चलाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई से थरथर कांप रहे हैं, कई थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं तो कई सोशल मीडिया पर ही अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ताजा मामला इटावा का है जहां टॉप 10 अपराधियों में शुमार अनीस उर्फ पाशु पुलिस की कार्रवाई से घबराकर सोशल मीडिया पर जान बचाने की गुहार लगा रहा है। वायरल वीडियो में शातिर अपराधी अनीस सीएम योगी से जान बचाने की भीख मांगता दिख रहा है। आपको बता दें अपराधी अनीस पर 45 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया है। देखिए ये जिनकी बात आप कर रहे हैं ये हिस्ट्री शीटर भी हैं हमारे यहाँ के शहर के और गैंगस्टर भी हैं। इनके पास इनके विरुद्ध अपराध बहुत लिखे हुए हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो है वायरल किया है, वीडियो वायरल किया है, तो हर अपराधी अपने बचत के तरीके ढूंढता है लेकिन पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस अपना काम करेगी। मुजफ्फरनगर में आज हक की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सशक्त में प्रणाम, नारी शक्ति बिना न बनता बिगड़ा कोई काम। प्रदेश में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में नारी की गरिमा और उसकी अहमियत को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी जिलाधिकारी के साथ हक की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सम्पन्न हुआ जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन भाग लिया। इस दौरान करीब 50 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा जिलाधिकारी महोदया से सवाल भी पूछे गए। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रश्नों और शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। जिलाधिकारी महोदया पूरे समय कार्यक्रम में उपस्थित रही। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार यादव अपर भी उपस्थित थे। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लव जिहाद कानून पर तंज कसा और कहा कि प्रदेश सरकार को सबसे पहले यह कानून बनाना चाहिए और वो जगह बतानी चाहिए कि जहां किसानों की आय दोगुनी हो, लोगों को नौकरी मिले और महिलाएं सुरक्षित रहें। जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले कानून ये बनाना चाहिए, वो जगह बतानी चाहिए जहां पर किसानों की आय दोगुनी मिलेगी। क्या कभी वो ऐसा कानून बनाएंगे कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसे नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए? रुक रुक ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रानीखेत में नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने हरीश रावत के संन्यास लेने को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कभी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और ना हरीश रावत जी संन्यास लेंगे। मैं नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी, न तो कभी इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन सकते हैं और न हरीश रावत जी मेरे बड़े भाई कभी संन्यास लेंगे। बहुत अच्छा ढूंढा उन्होंने, जो उन्होंने फॉर्मूला ढूंढा कि जब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब मैं संन्यास लूंगा, तो वो कभी बनने वाले नहीं है, आपने कभी संन्यास नहीं लेना है। देहरादून के तिब्बती मार्केट की एक दुकान में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस इसे हत्या और सुसाइड दोनों तरीके से देख रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक संजय बिष्ट पिछले 20 सालों से दुकान में काम कर रहा था। मृतक संजय बिष्ट का शव दुकान के भीतर खून से लथपथ मिला। शव के पास एक देसी तमंचा पुलिस को बरामद हुआ है जिससे संजय के सर पर गोली लगी है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। फोरेंसिक टीम ने घटना की जानकारी डीआईजी को दी है।
गनशॉट इंजरी है और सारे एक्सपर्ट्स हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, फॉरेंसिक टीम को बुला लिया है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी हम लोग लेंगे कि किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है, और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा इसमें, और जैसे मैंने आपको बताया कि सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, एक बार डिटेल रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाएंगी तब डिटेल हम लोग बता पाएंगे क्या है, मर्डर भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है, सारे एस्पेक्ट्स हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं इसमें। उधर हरिद्वार कुंभ में परी अखाड़े को शाही स्नान के लिए अलग समय और सुविधाएं दिए जाने की शंकराचार्य त्रिकाल भवंता की मांग को अखाड़ा परिषद ने नकार दिया है और इसी के बाद परी अखाड़े और अखाड़ा परिषद में जुबानी जंग तेज हो गई है। अखाड़ा परिषद ने कहा कि परी अखाड़े की कोई मान्यता नहीं है। वहीं परी अखाड़े के प्रमुख साध्वी त्रिकाल भवंता के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने आधी आबादी का अपमान किया और साध्वी ने कहा कि वो उसकी शिकायत शासन प्रशासन से करेगी। ये हर मेले में आती हैं डालने विघ्न और कहीं सफलता इनको मिलती नहीं है। प्रयागराज में इनको कोई जमीन नहीं मिली थी, उज्जैन में कोई जमीन नहीं मिली थी, नासिक कोई जमीन नहीं मिली थी, कहीं से कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली थी। गलत सूचना देकर के लोगों से जा कर के अपनी बात रखती हैं और सूचनाएं गलत देती हैं। आपके माध्यम इतना ही कहूँगा कि मीडिया इसको ज़्यादा तूल मत दे, और मीडिया में बने रहने के लिए ही वो सब करती हैं ताकि मेरा नाम मीडिया में आ जाए। हरिद्वार में 13 साल की रिद्धिमा पांडे ने एक बार फिर विश्व पटल पर धर्मनगरी हरिद्वार और भारत का नाम रोशन किया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार आवाज उठाने वाली रिद्धिमा पांडे को बीबीसी की ओर से हर साल जारी की जाने वाली 100 महिलाओं की वुमन ऑफ 2020 सूची में शामिल किया गया है। भारत से सूची में केवल 3 महिलाओं को स्थान मिल पाया जिसमें रिद्धिमा सबसे कम उम्र की महिला है और 2 महिला मुंबई और दिल्ली से है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रही है। मतलब अच्छा भी लग रहा है, एट द सेम टाइम प्राउड भी फील हो रहा है कि मतलब इतना बिलियंस में वुमेन्स की पॉपुलेशन है तो उसमें मतलब 100 वुमेन्स को सेलेक्ट किया है, 1% भी नहीं है वो उनका, और उसमें मेरा नाम है तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जितना भी हार्डवर्क अब तक किया था उसका कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल रहा है और लोग समझ रहे हैं कि हाँ जो काम मैं कर रही हूँ या जिस इशू पे मैं वर्क कर रही हूँ वो रियली इम्पोर्टेंट। मैंने यही सोचा है कि मैंने एक एनवायरमेंट कंजर्वेशन ट्रस्ट रिजर्व मतलब एक ट्रस्ट को रजिस्टर किया है तो उसके साथ मैं मतलब जो बच्चे मेरी तरह एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, एनवायरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, तो उनको हेल्प करने के लिए मैंने सोचा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।